नमस्कार जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हुरीना गौरव और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास कार्यक्रम सरकार से संवाद में स्वास्थ्य मंत्री सुरजीत जियानी का शराब पर बड़ा बयान आया। सुरजीत जियानी के मुताबिक पूरे देश में शराब पर पाबंदी लगनी चाहिए, तभी पंजाब या किसी सूबे में शराब पर पाबंदी कामयाब हो पाएगी। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के विषय में वो केंद्र सरकार को खत भी लिखेंगे। सेहत मंत्री सुरजीत जियानी के शराबबंदी पर दिए बयान के बाद अब सियासी गलियारों में बहस छिड़ गई है। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री विजय सांपला का भी बड़ा बयान आया है। देश भर में शराबबंदी पर विजय सांपला का कहना है कि जबरदस्ती शराबबंदी से नतीजे बेहद खराब होंगे, ऐसे में शराब पर कंट्रोल सिर्फ जागरूकता के जरिए ही संभव है। शराबबंदी पर सभी पार्टियों की तरफ से दलीलें भी सामने आई हैं, लिहाजा मुद्दे की बात में आज ये देखना और समझना दिलचस्प होगा कि पूरे देश में शराबबंदी पर सियासी पार्टियों का स्टैंड क्या है और शराब पर कंट्रोल के लिए जागरूकता का तर्क क्या मायने रखता है। शराबबंदी से जुड़े कई और भी सुलगते सवाल उठाएंगे। हमेशा की तरह एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। आपसे बस यही गुजारिश है कि अगले एक घंटे मुद्दे की बात में हमारे साथ बने रहिएगा। तो शराबबंदी के पर हमने जो सवाल आज उठाने हैं वो सवाल आपको बता देते हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि पूरे देश में शराबबंदी पर सियासी पार्टियों का आखिरकार क्या स्टैंड है। ये हमारा आज का पहला सवाल है जिस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा अहम सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे वो ये है कि शराब पर कंट्रोल के लिए जागरूकता का तर्क क्या मायने रखता है, क्योंकि यही तर्क दिया गया है केंद्रीय मंत्री विजय सांपला की तरफ से। तीसरा और अहम सवाल, समाज सेहत और विकास के लिए शराब का अधिक सेवन कितना नुकसानदायक। तो चर्चा को आगे बढ़ाएं, अपने जो गेस्ट हैं उनके साथ जुड़े, उनसे चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले कुछ बयान भी आपको सुना देते हैं। दरअसल पंजाब में स्वास्थ्य मंत्री सुरजीत कुमार जियानी अब शराब को पागल पानी कहते हैं और साथ ही इस पर रोक की भी बात कर रहे हैं। उनके इस तर्क से बाकी सियासी पार्टियों की क्या राय है, आइए जानते हैं। शराब जो है पागल पानी, इसको मैं कहता हूँ, और इससे बचना भी चाहिए जी। और हरेक मतलब है, बुराई की जो जड़ है वो शराब है। सो बंद कर देनी कोई माड़ी गल नहीं। मैं भी कहना है कि जे सेंटर सरकार साड़ी मदद करे 5,000 करोड़ दी, तो सानू रेवन्यू आउंदा है शराब दे उत्तों, एक्साइज दे उत्तों। जे सेंटर सरकार 5,000 करोड़ दे देंदी है तो सानू भी बंद करन दे विच कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। मैं समझता हूँ कि ये आम जनता से पूछना चाहिए कि शराब बैन होनी चाहिए या नहीं बैन होनी चाहिए, और इसके लिए एक सर्वे कराना चाहिए और उस सर्वे के आधार पर ये करना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर उस सर्वे के आधार से हम करेंगे तो उससे हमको रिजल्ट्स पता लगेंगे और दो लोगों की इच्छाएं पता लगेंगी। मैम शराब कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, सरकार उससे रेवेन्यू बनाती है। तो अगर पब्लिक का मूड है, कंसेंसस है कि ये बंद होनी चाहिए तो बिल्कुल होनी चाहिए, इसके लिए कंसेंसस बिल्ड करना चाहिए। लेकिन ऐसे अगर आप आर्बिट्ररी करेंगे तो वो तो ठीक नहीं। कंसेंसस बिल्ड कीजिए, लोगों को एजुकेट कीजिए और बंद कर दीजिए बड़े शौक से अगर लोग बंद, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा तो मिलता नहीं। तो शराब से फायदा तो होता नहीं है, इसे बंद किया जाना चाहिए। वहीं कुछ का कहना है कि जागरूकता होनी चाहिए, कुछ का ये भी कहना है कि केंद्र से मदद मिलनी चाहिए। तो जहां एक तरफ सुरजीत कुमार जियानी पहले शराब को नशा नहीं मानते थे, वहीं अब वो पूरे देश में शराब बैन करने की वकालत करते दिख रहे हैं, मगर दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री विजय सांपला उनके सुझाव से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हरियाणा का तर्क देते हुए वो जागरूकता की वकालत कर रहे हैं। इसमें बैन होना चाहिए, पर होना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में। एक स्टेट में बैन करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। हरियाणा ने बैन किया जी, दूसरी स्टेटों से वहां ब्लैक होने लग गई जी। अगर आप बिहार में करेंगे जी तो वहां हो जाएगी। अगर गुजरात में बैन है तो क्या गुजरात में शराब की ब्लैक नहीं हो रही, उल्टा गलत काम हो रहा है। बैन हो तो पूरे हिंदुस्तान में हो, सभी सूबों में। क्यों ना आप इनिशिएटिव ले, पंजाब भी इनिशिएटिव। तो मैं तो आपके कहने से आज ही लेटर लिख दूंगा। असि हरियाणा दे विच बंसी लाल ने एक बार शराब का बंद कीती सी, तो उसके परिणाम जड़े नकारात्मक भी रहे सी। लोगों की मानसिकता नूं तब्दील करन दे विच अपना योगदान पाउणा चाहिए, और जबरदस्ती कीता है कम किसी वेले भी वो गलत भी हो सकता, कि उसके परिणाम असीं पिछे जे देख भी ले। हरियाणा दे विच बंदी हुई सी
और शराब दुगुनी बिकी। और इस तरह ही जिते भी जो पीने वाले कित ना कि गैर कानूनी ढंग के नाल भी करे। सो इस करके मेरा ख्याल है वो उन्होंने मानसिकता वा ज़्यादा सानू ध्यान देना चाहिए कि लोगों के प्रचार प्रसार होना चाहिए कि शराब सेहत लिए हानिकारक है और ये अच्छे व्यक्तियों के लिए नहीं है। ऐसी चीज़ का जो प्रचार प्रसार वाल ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो शराब अच्छी चीज नहीं है, प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन जी पंजाब हरियाणा हिमाचल अपने दर्शकों को भी पूरा मौका देता है इस डिस्कशन का पार्ट बनने के लिए, और उनकी राय भी हमारे लिए काफी मायने रखती है। तो आज जो दर्शकों से हम सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल यही है कि क्या पूरे देश में शराब पर पाबंदी लगनी चाहिए। आप हमें अपनी राय SMS के जरिए भेज सकते हैं। अगर आपका जवाब है हाँ, यानी कि हाँ पूरे देश में शराब पर पाबंदी लगनी चाहिए, तो आप हमें ZPHH Space Y लिखकर SMS कर सकते हैं। और अगर आपका जवाब है ना, यानी कि आप अगर इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, तो आप अपना जवाब ZPHH Space N लिखकर 57575 पर SMS कर सकते हैं। सवाल एक बार फिर से दोहरा देते हैं, क्या पूरे देश में शराब पर पाबंदी लगनी चाहिए। आप ZPHH Space Y अगर जवाब हाँ है, ZPHH Space N अगर जवाब ना है, भेज सकते हैं 57575। तो सवाल हमने आपको बता दिया है, आप हमें अपनी जो जवाब है हमें भेज सकते हैं, और जो आपकी राय निकल कर सामने आएगी कार्यक्रम के अंत में वो भी हम जरूर साझा करेंगे। एक खास पैनलिस्ट आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है। चर्चा यही है कि आखिरकार शराबबंदी के मायने क्या है। शिरोमणि अकाली दल की तरफ से हमारे साथ मौजूद है सिकंदर सिंह मलूका जी, साथ ही कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ मौजूद है लाली मजीठिया जी, और साथ ही बीजेपी की तरफ से हमारे साथ मौजूद है मनजीत राय जी, और आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं कर्नल सीधी सिंह कंबोजी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। और सबसे पहला सवाल मेरा यहां पर सिकंदर सिंह मलूका जी आपसे है, आपका हमने बयान भी जरूर सुना है कि आप कितना इत्तेफाक रख रहे हैं इस बात से जो बात कही गई है ज्ञानी जी की तरफ से कि हाँ बैन लगना चाहिए। अगर उनके बयान की बात करें तो लगातार बयान बदले, पहले वो शराब को नशा ही नहीं मानते थे, अब इस नशे को वो पागल पानी कह रहे हैं, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि पूरे देश में बैन लगा देना चाहिए। आपकी क्या राय? देखो रीना जी, नशा कोई भी चंगा नहीं है, शराब भी बहुत माड़ा नशा है, बाकी नशे भी बहुत माड़े ने, पर कला इस समस्या का बैन ला के हल नहीं किया जा सकता। जे बैन ला के कोई चीज बंद हो जाए तो एदू सौखा काम कोई नहीं है। अपने फेम की पुकी की बैन लगे हुए ने, सारे मुल्क दे विच ही लगे ने, दो तीन स्टेटा छड़ के, ते सारे च स्टेटा च कितने ना कितने चीज जो मिल जाती है। सो इस करके बैन लाने गुजरात के शराब के बैन लगे को 30 साल हो गए ने, तो गुजरात अच्छ जो मर्जी शहर के शराब जिनी मर्जी ले लो, बल्कि 3 गुणा महंगी मिलती है। हुणे तजर्बा पहला आप हरियाणा का भी वेख्या, उन्होंने खोलनी पई साल बाद, बिहार का भी तजर्बा थोड़े सामने आ जाएगा कि बुरी तरह फेल होएगा। सो पहला तो सानू प्रचार ये करना चाहिए कि नशा करने वाले लोगों को हटाना चाहिए। सानू हर खेत्र के स्कूलों के कॉलेजों के धार्मिक संस्थानों के नशे बारे लोगों को जागरूक करना चाहिए कि नशे माड़े ने, नहीं करने चाहिए। तो जे लोग नशे करने भी हट जाएंगे फिर बंदियां लाने की लोड़ ही नहीं पेगी, आपे ठेके बंद हो जाएंगे, आपे नशे दे जिहड़े होर कारोबार वो बंद हो जाएंगे। सो लोगों को प्रेरना भी पेगा, जिथे कितें सख्ती की लोड़ है सख्ती भी करनी पेगी, जिवें भी हल हो सकता है किया जा सकता। नशियां दे कोई भी मेरी समझ दे विच तां कोई हक दे विच नशियां दे है ही नहीं, पर इन्हीं गल दे नाल ही जे आपां कहिए कि सरकार दा क्या तर्क निकालने की कोशिश की गई थी, सबकी राय पहले जान लेते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ मनजीत राय जी हैं। मनजीत राय जी, आपकी क्या राय है, क्योंकि अगर हम बात करें केंद्रीय मंत्री विजय सांपला जी की, तो वो इस राय से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका कहना है कि जागरूकता फैलाई जाए, बंदी से कोई हल नहीं निकलने वाला। रीना जी, शराब के बारे साढ़े रहबरां साढ़े गुरुआं ने भी मनाही की हुई है
मद पीते मत विसरे बरन पैवे विच आए अपना पराया ना पछाणे खसमे तके खाए। और शराब और बाकी नशे ये सारे माड़े आ, और लेकिन असा आपा देखिया अपना समाज दी रिफ्लेक्शन देखी है जी। मैं देख रहा सी कि मिजोरम च 17 साल पाबंदी रही शराब दे उपर, पर 17 साल बाद उन्होंने भी फिर हटाउणी पई पाबंदी। इसे तरह ही कई स्टेटा दे विच जिस तरह हरियाणा और इस तो अलावा होर एक दो स्टेटा है जिस तरह जिन्हां ने पहला शराब ते पाबंदी लाई, इवन दैन के महाराष्ट्र ते गुजरात जो इकट्ठा सी उस वेले भी उत्थे पाबंदी सीगी। लेकिन इस वेले जे सब तो जे सख्ताई है वह गुजरात दे विच है, इवन दैन के उत्थे जिहड़ी घर की शराब बनाउण दा और उहनू वेचण दा जिहड़ा डैथ पेनल्टी तक भी प्रावधान हैगा। लेकिन जिस तरह मलुका जी ने भी दस्या है कि फिर भी अवेलेबिलिटी है, लोग हर थान पर मिलती है। और जे आप मुस्लिम जिहड़े कंट्रीज ने उत्थे देख लीए उत्थे किन्नी सख्ती है शराब के बारे, लेकिन फिर उत्थे भी अवेलेबिलिटी पता लगता लोगों तो भी उत्थे मिलती है। जागरूकता की लोड़ है। असी जिहड़ा साडा जिहड़ा साडा फर्ज बनता है नौजवान युवा पीढ़ी नूं उहनां नूं जागरूक करना, जिहड़े साडे धार्मिक ग्रंथ ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣेंगे ਜੈਸੇ ਮਲੂਕਾ ਜੀ ਸੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਏਗੀ ਕਿਵੇਂ, ਉਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਗਲੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਆਪਕੀ ਕੀ رائے ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਕੋ ਲੇਕਰ। ਰੀਨਾ ਜੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਵੀ ਹੈ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भी शराबबंदी हो यहाँ भी होती है तो मानसिक रूप पे और पारिवारिक रूप पे सामाजिक और आर्थिक पक्ष पे इसकी बहुत इसके मायने हैं। जैसे यहाँ जहाँ भी ये हुई उन स्टेट्स में आर्थिकता और जो सेहत है उसमें सुधार आया। लेकिन जो बात मैं मुझे आज एक बात की खुशी हो रही है कि जनरली मलूका साहब और हम सब जनरली हम आम मुद्दों पे हमारी सहमति नहीं होती, लेकिन इस मुद्दे पे मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि जब तक ये लोगों में जागरूकता पैदा नहीं की जाती तब तक ये बात संभव नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, जो समूहक जिम्मेदारी भी जिसे हम बोल सकते हैं वो गवर्नमेंट में होती है। अब देखिए आपने खुद ही बताया कि पहले जैनी साहब का क्या था, आज की डेट में भी जैनी साहब क्या सोच रहे हैं और सांपला जी और मंजीत जी क्या सोच रहे हैं, मलूका जी क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो कि कोई ऐसा नॉन सीरियस इशू नहीं है कि जो चाहे कोई पहले कहे शराब जो है वो नशा ही नहीं है, बाद में कहे जी ये पागल पानी है। तो इसमें हमें बहुत जो है जिम्मेदारी से जो भी बात करनी चाहिए। और एक और एंगल है कि सुखबीर बादल जी तो बहुत बोस्ट करते हैं कि कैप्टन अमरिंदर की गवर्नमेंट से 5 गुना ज्यादा रेवेन्यू हमने जनरेट किया। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात और भी है कि जो हमारा टोटल बजट है, अब देखिए इसका जो यथार्थवादी या आप ये प्रैग्मेटिक जो इसका एस्पेक्ट है कि जो हमारे टोटल बजट में जो रेवेन्यू शेयर एक्साइज का है वो देखिए ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 25% के करीब होगा, क्योंकि 4000 करोड़ जो है सिर्फ लिकर से आ रहा है, जो मनुका जी ने 5000 कहा 4-5000 करोड़। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, और जो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत अच्छा एस्पेक्ट है, लेकिन इसकी प्रैक्टिकेबिलिटी देखनी चाहिए। बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं कि जहां जहां जब भी अब देखिए हरियाणा में श्री बंसीलाल जी ने इलेक्शन इसी मुद्दे पे जीत लिया कि शराबबंदी दो मेन पार्टीज थी वो हाशिए पे चलेगी, लेकिन एक साल बाद ही उनको वो जो था क्योंकि तो एक यहाँ ही नहीं अमेरिका में भी जब उन्होंने शराबबंदी की किया जा रहा, हाल ही में बिहार में भी शराब पर बैन लगाया गया। अगर मैं बिहार की बात की जाए, बिहार का की जाए तो बिहार अभी शुरू हुआ है, स्थिति नहीं है बहुत बुरी, रीना जी बिहार अभी शुरू ही हुआ है। ठीक है लाली जी आपके पास आएंगे, सीडी कंबोज जी भी हमारे साथ है उनके पास चलते हैं। आपकी क्या राय शराबबंदी को लेकर, बात पूरी करने दीजिए रीना जी, एक बात पूरी करने दीजिए, कहिए
बात पूरी करने दीजिए, नहीं बात ही नहीं पूरी करने दी आपने। लाली जी, अभी बहुत लंबा वक्त है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमेरिका ने भी दो साल बाद ये जो बंद की पहले पाबंदी पर, शराबबंदी पर। जी धन्यवाद जी, कंबोज जी, ठीक है, ठीक है। रीना जी, इसमें कोई शक नहीं कि नशा बुरी चीज है, इसमें सब सहमत हैं जी, इसमें भी सहमत हैं कि जागरूकता होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि एक तरफ तो बात हो रही है कि शराब बंद होनी चाहिए या बंद नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो शराब पिलाने के लिए इनकरेज किया जा रहा है। और मैं अपनी बात को तथ्यों के साथ आपके सामने पेश करता हूँ। 2006-2007 में एक्साइज से जो शराब से जो आमदनी थी वो थी 1133.18 करोड़ जी। और इस बार 2016-17 में जो अपनी सरकार ने टीचा रखा है वो रखा है 5440 करोड़ रुपए का, मतलब 5 गुना ज्यादा। और ये जो है आमदनी चाहते हैं शराब से। ठेके जो हैं 2005-2006 में 5632 ठेके थे पंजाब में, 2016-17 में 12,000 हैं। हमारे तकरीबन 12,500 गांव हैं, इसका मतलब कि हर गांव के अंदर एक ठेका जो है, हर गली की नुक्कड़ के ऊपर एक ठेका जो है, इन्होंने जो इस बार 2016-17 के अंदर ठेके ऑर्डर किए हैं। 2014-2015 के अंदर बादल साहब ने खुद मीटिंग ली और टीचा रखा कि देसी शराब 25.33 करोड़ बोतलें बेची जाएं और वलैती शराब 33.63 करोड़ बोतलें बेची जाएं। बियर इससे अलग है, 2.77 करोड़ हमारी आबादी है, इसका मतलब हर एक आदमी, हर एक बच्चा, हर एक बूढ़ा, हर एक बूढ़ी, हर एक लड़की के नाम पे 12.25 बोतल एक दिन की, एक साल की बनती हैं। तो हम ये क्या कर रहे हैं? आपको ये जानकर बहुत दुख होगा कि पंजाब की पर कैपिटा इनकम नंबर 1 से नंबर 14 पे आ गई है, और लेकिन पंजाब की जो लिक्वर की कंजम्पशन है वो इंडिया में केरला के बाद नंबर 2 है। ये हम नंबर 2 पे पहुंच गए हैं शराब पीने में, और हमारी आमदनी जो है 1 नंबर से 14वें नंबर पे आ गई है जी। ये जो अभी अभी मलुका साहब ने कहा कि 5000 करोड़ रुपया हमारी आमदनी है, इन्होंने 5440 करोड़ रखा है, तो क्या ये हमारी मजबूरी है कि हम शराब बेचें, लोगों को पिलाएं? क्योंकि 5109 करोड़ जो है वो पूरी सब्सिडी ये देते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर सब्सिडी शामिल है, जिसमें एससी की सब्सिडी शामिल है, जिसमें बीपीएल वालों की सब्सिडी शामिल है, तीनों सब्सिडी रखकर 5109 करोड़ बनता है। और ये पंजाबियों को शराब पिला के सारी सब्सिडी देकर जवाब जानेंगे मलुका जी से, 350 करोड़ रुपया फिर बचाने के। बिल्कुल मलुका जी, आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल ये है कि प्लीज शराब जो है उसको एनकरेज मत करो जी। अगर कोई सिख जो है अगर अमृत चक लेता है तो वो शराब छोड़ देता है जी, अगर राधा स्वामी नाम ले लेता है तो शराब छोड़ देता है जी। कई लोग शराब को बुरा समझ के नहीं पीते हैं, तो उस तरफ चलो, उस तरफ लोगों को समझाओ कि शराब पीना बुरी बात है। आप ठेके खोलो, ठीक है कंबोज जी, जवाब जानेंगे मलुका जी से, लेकिन उससे पहले लाली जी आपके पास आना चाहेंगे, आप कोई और तर्क भी देना चाह रहे थे, फिर मलुका जी से जवाब देंगे, कहिए लाली जी। हाँ जी, मेरा कहने का भाव ये था जी कि मैंने उस वक्त थोड़ा जो मेरा एंगल रह गया था जी जी, कि सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक हम ड्रग नहीं रोकते तब तक शराब को रोकना और भी जो ड्रग की प्रॉब्लम है उसे और भी ज्यादा एम्पलीफाई कर सकता है, उसे वर्सन कर सकता है। बिल्कुल, ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और जैसे बिल्कुल कंबोज साहब ने ठीक कहा कि पॉलिसी तो क्लियर होनी चाहिए, एक तरफ तो हम अपने टारगेट्स बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ जो अलायंस पार्टनर है कुछ और बात किए जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि आज नशा रोक देना, शराब रोक देनी इतना आसान काम नहीं है। आज शराब को एकदम रोकने का नुकसान सबसे बड़ा यही होगा कि जो अल्टरनेटिव नशे हैं जिसमें स्मैक आती है, सिंथेटिक ड्रग आती है, हाशीश आती है, जितने भी हैं, और जैसे कोई कैप्सूल्स हैं या मान लीजिए ओपीएम है, उन पे लोगों की टेक बढ़ जाएगी। और एक और भी सबसे बड़ी बात यह है कि जो तजुर्बा है कि अमेरिका में जिस वक्त ये उन्होंने नशाबंदी की, शराबबंदी की, तो सबसे बड़ा हुआ कि साथ में एक पैरेलल माफिया तैयार हुआ, जो हरियाणा में भी हुआ। आपने बिहार की बात की थी, बिहार में भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि बिहार में अभी ये एक्सपेरिमेंटेशन शुरू हुई है। और ये 4 और स्टेट्स हैं, जैसे गुजरात है, नागालैंड है, केरला है,
तो वहां भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वहां अल्टरनेटिव है, ताड़ी है, लीरा है और कई नामों से है, तो वो बेसिकली नशे ही ना, तो रेवेन्यू स्टेट का बंद कर दिया और दूसरे अल्टरनेटिव और साथ में एक माफिया पैदा हो जाते हैं, वो एंगल भी देखना पड़ेगा। लेकिन जो पंजाब के इशू पे सबसे बड़ी हमारी चिंता है वो ये है कि सबसे पहले हमें ड्रग्स रोकनी चाहिए। अगर हम ड्रग्स को नहीं रोकेंगे, और जो ज्ञानी जी कह रहे हैं, मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं डिफ्लेक्ट तो नहीं किया जा रहा है नशे के इशू को, कि आज सबसे पहले ड्रग रोकनी जो है वो हमारा परम धर्म है, उसके बाद शराब भी रोकी जा सकती है और अल्टरनेटिव भी हमें करने पड़ेंगे। जैसे उन सूबों जिन स्टेट्स ने किया है, मान लीजिए जो जो भी ये चार स्टेट्स के मैंने नाम लिए हैं, उसमें जो रेवेन्यू का जो डिफिसिट है उन्होंने अल्टरनेटिवली पूरा किया है। अब ये भी देखने वाली बात है कि पंजाब जो पहले ही जिसमें इतना ज्यादा जो बड़े रेट पे जो टैक्सेस वगैरह लागू हुए हैं, क्योंकि हमारी छोटी स्टेट है, एग्रीकल्चरल स्टेट है, मैं किसी एक व्यक्ति विशेष को या एक गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर रहा, यहाँ हमारे रिसोर्सेज के हमारे पास कितने हैं, कितने ढंग कितने हैं, तो एग्रीकल्चरल स्टेट में रिसोर्सेज इंडस्ट्री नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो क्या हमारे पास कोई अल्टरनेटिव रिसोर्सेज हैं जहां से हम टैप करके। लाली जी, आपकी बात का जवाब कंबोज जी देना चाह रहे हैं, लेकिन कंबोज जी उससे पहले आपके सवाल का जवाब मलूका जी से जान लेते हैं। कहिए मलूका जी। जी देखो रीना जी, सारे ही इस गल के सहमत होंगे ने कि नशाबंदी होनी चाहिए। सुझाव देने की बजाय आप कई बार नुकताचीनी करते रहने हैं। चलो मैं उन्होंने गलों के नहीं जाना, मैं मजीठिया जी ने एक गल के उत्ते सहमत है कि कोई भी चीज़ बिना किसी सोच विचार के उत्तों जिथे जिथे भी यह शराब बंद हुई है वह तजर्बा सफल नहीं होया, ना हिंदुस्तान के ना दुनिया के। जितों तक कंबोज जी ने कहा कि जी ठेके बढ़ गए ने, बोतलों की गिनती बढ़ गई है, समय के नाल नाल होया उहदे कारण ने दो। एक तो कि शराब यह नहीं कि कल्ली ठेकियां ते विकदी है, पंजाब दे विच वड्डे पैमाने ते शराब दो नंबर दे विच नजायज भी घरां दे विच कढ़ी जांदी सी बहुत ज़्यादा, वह पंजाब सरकार ने सारी बंद कराई है, जिहदे करके ये जिहड़ी ठेकियां दी विकरी जिहड़ी शराब दी बोतलां दी ये वधी है। यह नहीं कि कोई उस दूजे कारण करके वधी है, जां हुण लोग पीण ही ज़्यादा लग गए, अगे घट पीते सी, बहुत वड्डे पैमाने ते शराब जिहड़ी घरां प्राइवेट तौर पर निकाली जाती सी दो नंबर दे विच। एक सी कि ठेकियां दे विच रल मिल के घपलेबाजी कर ली जाती सी, शो नहीं सी कीता जांदा, शराब दी स्टेट नूं आमदन घट जाती सी, जिहड़े ठेकेदार सी उह दो नंबर दे विच जा के उह फायदा ले लैंदे सी, उन्हां नूं गिणमित के ठेके सस्ते दित्ते जांदे सी, घट उहदे विच विखाया जांदा सी, दो नंबर चों ज़्यादा वेची जांदी सी। सो दो गल्लां नूं रोक के सरकार ने रेवन्यू वधाया स्टेट का, कोई माड़ा काम नहीं किया। पर फिर भी मैं कहना कि जिवें पंजाब दे बिल्कुल मजीठिया साहब ने भी कहा, मैं सहमत है इस गल नाल कि इत्थों तक असीं चले गए हैं, होर टैक्स लाउण दी स्टेट दे विच कोई गुंजाइश नहीं हैगी है। सो जवाब दीजिए कंबोज जी, साधन पैदा करने पैणगे, कल्ला इह नहीं कि जे आपां रोक देंगे। कि इह जिवें बिल्कुल ठीक है, जिवें गुजरात की गल आउंदी है, केरला की गल आउंदी है, होर भी सूबियां की गल आउंदी है, ईवन पाकिस्तान दे विच भी मैं जाके आया, अरब कंट्रियां दे विच भी मैं जाके आया, इन्नी सख्ती है उत्थे ज्यादा, बहुत ज्यादा सख्ती की जाती है पर बिकती है, मिलती है, गुजरात के बहुत ज्यादा सख्ती है पर मिलती है, ठीक है, लेकिन 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 मलूका जी लेकिन कोई सख्ती तो करनी पड़ेगी, लेकिन कोई सख्ती तो करनी पड़ेगी। प्रदेश के युवा जिस तरफ बढ़ रहे हैं, प्रदेश के युवा की जिस तरीके से बात हो रही है, ना सिर्फ शराब, आज शराब का नशा कर रहे हैं, जिसे पहले ज्ञानी जी नशा ही नहीं मानते थे, उसके बाद उनका नशे का लेवल और बढ़ेगा, फिर वो स्मैक लेंगे, फिर वो सिंथेटिक में जाएंगे, फिर वो ड्रग्स लेंगे। क्यों ये आंकड़े पंजाब के इतने परेशान करने वाले, हैरान करने वाले आते हैं सामने? रीना जी सुन लो, जे सख्ती ना चीजा बंद हो जांदियां तो फिर अरब मुल्कां च हट जांदियां, जे सख्ती ना बंद होंदी गुजरात च बंद हो जांदी, जे सख्ती ना बंद होंदी पाकिस्तान च बंद हो जांदी। सानू लोकां नूं प्रेर करके नशे ये लेणो ही बंद करने चाहीदे आ, शराब पीणा चाहीदा कि ना पीती जावे, ये सानू स्कूलां दे विचों, कालजां दे विचों, डेरियां दे विचों, गुरुद्वारां दे विचों, मंदरां दे विचों, सारयां दे विच प्रेरणा सानू करके लोकां नूं इस पासों हटाउणा पवेगा। जी मैं मलूका साहब नाल साहब से इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि 1994-95 के अंदर एक्साइज से शराब से जो आमदनी थी वो 308 करोड़ थी, उससे बाद ये मुतवातर बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये है कि हमारे लोग, हमारे बच्चे जो हैं वो पहले से कहीं ज़्यादा शराब पीने लगे हैं। हम घरों में देखते थे, हमारे कभी बुजुर्ग ने शराब पीनी होती थी तो वो घर के अंदर कभी शराब नहीं पीते थे, वो बाहर खेतों में जाकर या हवेली में जाकर वहाँ शराब पीते थे। लेकिन अब हर रोज शाम में
वही कोई घर बचा होगा जहां पे शराब की बोतल नहीं खुलती, तो ये बात तो मैं मलुका साहब से सहमत नहीं हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दसों गुरुओं की धरती है और हम गुरुद्वारे में जाते हैं वहां पे हम साखी सुनते हैं कि गुरु साहब का नीला घोड़ा आगे नहीं बढ़ा क्योंकि आगे तम्बाकू का खेत था। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा, नड़ी मार कुड़ी मार और तीर मलिए मेरे सिख नहीं होंगे। आज दिल्ली में केजरीवाल साहब ने गुटखा तम्बाकू बंद किया है तो क्या दिल्ली के अंदर जो कितने करोड़ों 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 रुपए का जो रेवेन्यू आता था तम्बाकू से गुटके से, क्या वो बंद नहीं होगा? लेकिन अगर आपने समाज में कोई तब्दीली लानी है तो आपको कुछ ना कुछ सख्त फैसले करने पड़ेंगे। खाली ये नहीं देखना होगा कि हमें 5,000 करोड़ आता है तो वो कहाँ से आएगा, हमें उसके दूसरे हाल ढूंढने होंगे। जागरूकता की बात के ऊपर मैं 100% सहमत हूँ, हमारे जो धार्मिक संस्थाएं हैं SGPC वगैरह उनको और प्रचार करना चाहिए और सरकार को भी स्कूल लेवल के ऊपर जो है जहां तक पंजाब नशे करने बच्चे लग गए हैं हमें स्कूल लेवल के ऊपर उनको एजुकेट करना लेकिन चाहिए। कम्बोजी समस्या तो यही है कि हमने अपने इस कार्यक्रम में हमने ही नहीं बल्कि कई बार ये मुद्दा उठा है पंजाब में नशे को लेकर। ना सिर्फ शराब की बात हम कर रहे हैं बल्कि ड्रग्स को लेकर भी हमने कई बार चर्चा की है। हर बार ये बात जरूर कही जाती है कि जागरूकता फैलाई जानी चाहिए, जागरूक किया जाना चाहिए युवाओं को, लेकिन होता क्या है, जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है, ये देखना बहुत अहम होगा।